ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में कॉल ड्रॉप, स्लो इंटरनेट को लेकर चर्चा हुई। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को कॉल ड्रॉप पर काम करने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही ट्राई ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में सेवाओं की गुणवत्ता के नियम कड़े करेगा। इसमें अनचाहे कॉल्स पर लगाम कसने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेने की बात भी कही गई है। वहीं बैठक में कमजोर कनेक्टिविटी को लेकर टेलीकॉम कंपनियों ने एक अजीबोगरीब दावा किया। कंपनियां ये कह रही हैं कि लो क्वालिटी मोबाइल फोन की वजह से भी कनेक्टिविटी कमजोर हो रही है। जी हां, ये दावा आज कंपनियों ने किया है ट्राई के सामने। अब क्या है इस दलील के पीछे आधार, पूरी डिटेल लेते हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे से। अमरीश, दो धुरी में हम अपनी चर्चा को ले जाएंगे। पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, लेकिन दूसरी तरफ जरा हमें ये बताइए, ये अजीबोगरीब कौन सा लॉजिक दिया है इन कंपनियों ने कि फोन जो है वो ठीक नहीं है इसलिए कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है। दीपक, देखिए सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब से ये समस्या शुरू हुई थी तब से जी बिजनेस इस समस्या को लगातार उठाए हुए है और वो सारे तर्क जो हमने अभी तक रखे थे उन सारे तर्कों को काटने के लिए ट्राई की मीटिंग में कंपनीज ने वो सारी बातें वहां कही हैं। ये सारे इस सारी चीजों में हमारी गलती नहीं है, सब कुछ सिस्टम के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है या फिर सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। और ट्राई ने दो टूक शब्दों में साफ कहा है कि वजह कोई भी हो आपको सेवा में सुधार करना होगा, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। और जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार ये भी स्पष्ट है कि अगर ऐसा नहीं कर पाती हैं कंपनियां जो तय समय दिया गया उनको, तो उनके ऊपर जो पेनल्टी है वो भी बढ़ाई जाएगी। अब बात करें अगर इस लो क्वालिटी हैंडसेट की, तो उन्होंने कहा है कि जब कंपनी ट्रांजिशन फेज में होती है 4G से 5G या फिर 3G से 4G और 5G, उस दौरान एक सर्टेन पीरियड के लिए दिक्कत आती है। ट्राई ने इस बात को तो मान लिया, लेकिन जब ये कहा गया कि अभी जब ट्रांजिशन पीरियड खत्म हो गया है, 6 महीने से ज्यादा हो गए 5G को लॉन्च हुए, बावजूद उसके लोगों को वो सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं, तो कंपनीज ने कहा कि इसकी वजह है कि वो एक लो क्वालिटी का हैंडसेट है जो कि इस वो सर्विस को लोगों को वो सुविधा उसको लेने नहीं दे रहा है। इस पर भी ट्राई ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो क्या आपने इस बात को कहीं से भी किसी भी एजेंसी को या फिर सरकार की अथॉरिटी को इंगित किया है? अगर नहीं किया है तो इस बात का हवाला आप सीधा जाकर DOT को दीजिए, लेकिन हमारे पास जो ग्राहकों के शिकायतें हैं उसके आधार पर हम आपको दो टूक शब्दों में यही कह रहे हैं कि आपको सेवाएं सुधारनी पड़ेंगी। इसका जो फोन की बात है तो उसमें उन्होंने ये तर्क दिया था कि कई बार फोन उस तरह के नहीं थे लेकिन कंपनियों ने जबरदस्ती उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट किए हैं, इस वजह से वो हैंडसेट जो है उस सर्विस को संभाल नहीं पा रहे हैं। और ट्राई ने इन सारे दावों को, सारे जो बहाने हैं उनको दरकिनार किया है और कहा है कि भाई सर्विसेज आपको ठीक करनी पड़ेंगी। अमरीश जरा आप थोड़ा सा समझाइए, क्या कंपनी कहना क्या चाह रही है? माना मेरे पास फोन है, तो कंपनी ये कह रही है कि दीपक डोवाल के पास जो फोन है वो उसकी ये हैसियत नहीं है कि हमारी सर्विसेज को संभाल पाए, इसलिए दीपक डोवाल को सर्विस ठीक नहीं मिल रही है। देखिए इसमें जो तर्क जो कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव वहां से निकल रहे थे, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने 5G वाला हैंडसेट लिया है लेकिन आपका 5G हैंडसेट हो सकता है कि 2 साल पुराना हो। 2 साल पुराना जो दावा है कंपनी का कि 5G का हैंडसेट है या 5G चलाने लायक वो हैंडसेट है, वो हैंडसेट उस तरह का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर नहीं था। कंपनी ने चूंकि दावा किया था आपसे कि वो 5G का सर्विस अफोर्ड कर सकता है, तो ऐसे में जब सर्विसेज शुरू हुई तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर को अपडेट किया। वो सॉफ्टवेयर आपको 5G की सर्विसेज दिखा तो रहा है लेकिन पूरी तरीके से उसका एक्सेस नहीं दे पा रहा है, इस वजह से कई फोन्स में ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो ये ऐसे फोन जो है हालांकि बहुत कम संख्या में, क्योंकि जिस तरह से लोग लगातार अपने आप को अपडेट कर रहे हैं उन्होंने फोन भी अपडेट किए हैं। अच्छा, तो यानी कि अमरीश, जितना मैं समझ रहा हूँ, ये सारी दलील थी 5G नेटवर्क को लेकर, जो नॉर्मल नेटवर्क है उसको लेकर नहीं थी। जी ठीक है, चलिए आप फटाफट से बता दीजिए वो AI लेकर क्या ट्राई आने वाला है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखिए सबसे बड़ी समस्या जो टेलीफोन यूजर्स को होती है वो ऐसे नंबर्स के साथ होती है कि वो कौन से नंबर है, कॉल क्यों कर रहा है, अनसॉलिसिटेड अनवांटेड कॉल्स है, उनसे कैसे बचा जाए। और ये जो समस्या है ये जितना ग्राहकों के साथ है उतना ही कंपनियों के साथ है। तो ट्राई ने इसके लिए वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आधारित मशीन लर्निंग प्रोसेस जो है
उसको शुरू करने की कवायद की है। इसमें साफ कहा जाएगा कि एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए जिसमें कुछ सेट पैरामीटर्स होंगे और वो सेट पैरामीटर्स जो होंगे वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स, इसके अलावा उनके जो मैसेज के हेडर्स और फुटर्स हैं उनको नोट करते हुए उनको ऑलरेडी उस सिस्टम से हटा देंगे, यानी कि ऐसी कॉल्स और ऐसे मैसेज आप तक आने से पहले ही रोक दिए जाएंगे नेटवर्क की तरफ से। और एक साथ इसमें एक अपडेट है, इसमें ये भी है कि अगर आपको लगातार इस तरह की स्थितियां हो रही हैं तो अगर आप उसको ब्लॉक नहीं कर पाते हैं तो ये जो सिस्टम होगा वो उसको फिल्टर करते हुए उस तरफ रूट कर देगा जिस तरफ ट्राई का मैकेनिज्म है उसको मॉनिटर करने का, और ऐसे में उनको बार करना ज्यादा आसान होगा कंपनीज के लिए भी। और अगर कंपनी नहीं कर पाती तो ट्राई उनको बता सकता है कि ये फला नंबर है इनको आपको बार करना है। साथ साथ एक और सिस्टम इसमें कंपनीज की तरफ से ये भी ट्राई ने कहा है कि आप ऐसे नंबर्स की लगातार रीवेरिफिकेशन करते रहिए, और अगर कोई ऐसा नंबर होता है जो कि एक जगह से कई तरह के मैसेज भेज रहा है या फिर एक ही जगह से कई तरह के मैसेज अलग अलग फोन हैंडसेट्स के जरिए जा रहे हैं तो उन जगहों को चुनिए और वहां से उस सर्विसेज को ब्लॉक कीजिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको बार कर दीजिए, उनकी कोई भी सर्विस करने की जरूरत नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ट्राई के साथ बैठक में आज टेलीकॉम कंपनियों ने जो जो बातें रखी है, जो दलील रखी है, उसका आपने विस्तार से पूरा विश्लेषण